गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम लोग पेयरिंग वर्ड सीखने वाले हैं। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे डेट लिख दें। आज की डेट क्या है? आज डेट है 1/3/2021। सो हम लोग ने यहाँ पे डेट लिख दी। अब हम लोग पेयरिंग वर्ड्स सीखना शुरू करेंगे। पेयरिंग वर्ड्स क्या होते हैं? पेयरिंग वर्ड्स कुछ वर्ड्स जो साथ में यूज़ होते हैं, मतलब पेयर्स में यूज़ होते हैं, उन्हें पेयरिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, फादर एंड मदर। सो हम लोग हमेशा फादर एंड मदर लिखते हैं। लॉक के साथ क्या यूज़ करते हैं? लॉक मतलब ताला। ताले के साथ क्या यूज़ करते हैं? की। टेबल एंड चेयर, टेबल के साथ हम लोग हमेशा चेयर यूज़ करते हैं। देन डे एंड नाइट, शूज़ एंड सॉक्स, बॉय एंड गर्ल, ब्रेड एंड बटर। सो हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स पढ़े और डेफिनेशन क्या है पेयरिंग वर्ड्स की। सम वर्ड्स विच आर यूज्ड इन पेयर्स आर कॉल्ड पेयरिंग वर्ड्स। मतलब फिर से हम आपको बता दें कि जो वर्ड्स पेयर में यूज़ होते हैं, मतलब साथ में यूज़ होते हैं, उन्हें पेयरिंग वर्ड्स कहते हैं। तो हम लोग ने पेयरिंग वर्ड्स पढ़े और उनके एग्जांपल्स। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। एक्सरसाइजेस करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको ये सारे वर्ड्स अपने कॉपी में लिखने हैं। सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, ओवर हियर आई हैव मेड एन एक्सरसाइज विच इज मैच द फॉलोइंग पेयरिंग वर्ड्स। आप लोग को भी इस तरह अपनी कॉपी में लिखना है और फिर उसके बाद मैच करना है। पहले हम लोग ये स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फिर से डेट लिख दें। इस पेज पे भी डेट है 1/3/2021। सो हम लोग ने अब डेट भी लिख दी है। अब हम लोग इसे करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने आपको पहले पढ़ाया ब्रेड के साथ क्या यूज़ होता है पेयरिंग वर्ड में। यस, ब्रेड के साथ बटर यूज़ होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओवर हियर, हम इसको बटर से लाके ऐसे मैच कर देंगे। अब आप लोग को भी इसी तरह करना है। नेक्स्ट टेबल, टेबल के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओवर हियर इट इज़ रिटन, यस वी यूज़ चेयर। तो हम लोग टेबल को चेयर के साथ मैच कर देंगे। अब आप लोग को भी इसी तरह अपने कॉपी में लिखना है और उसे पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू, बाय बाय।